यू ऑल, माई सेल्फ राजकुमार वर्मा, वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आज हम स्टडी कर रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन डीसी जनरेटर पार्ट टू की, प्रीवियस क्लास के जिसके अंदर ईएमएफ इक्वेशन डीसी जनरेटर पार्ट फर्स्ट की हमने स्टडी की थी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था, कुछ बेसिक्स बताए थे कि किसी भी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ आपका जनरेट होगा उस वो कौन कौन से बेसिक्स पे डिपेंड करेगा। अगर हम फैराडे लॉ को थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो फैराडे लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है किसी मशीन के अंदर और अगर उसके अंदर कंडक्टर प्रेजेंट है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दोनों के बीच में यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे उन कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर जो एक्सटर्नली प्राइम मोवर से हम रोटेट करवा रहे हैं उन कंडक्टर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंडक्शन प्रिंसिपल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ईएमएफ आपका इंड्यूज हो गया है। अब ईएमएफ जो इंड्यूज हुआ है उसकी वैल्यू किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी या कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे उस मशीन के जिनके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उनकी हम स्टडी कर रहे थे। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके अंदर मैंने एक अज्यूम किया था कि एक कंडक्टर आपका कंप्लीट एक रोटेशन कर रहा है, फाई मैंने फ्लक्स पर पोल माना था कि एक पोल के द्वारा फ्लक्स अगर फाई है यानी फ्लक्स पर पोल हो गया आपका फाई और अगर नंबर ऑफ टोटल पोल उस मशीन के अंदर अगर पी है, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2, 4, 6, 8, इट विल बी ऑलवेज इन इवन नंबर। ओके, तो टोटल फ्लक्स एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कंडक्टर द्वारा फाइ इंटू पी टोटल फ्लक्स उसके द्वारा फेस किया जाएगा। फिर मैंने बात की थी कि अगर मशीन द्वारा मशीन की जो स्पीड है वो एन आर पी एम है यानी एन रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो एक मिनट के अंदर, तो उसी को अगर मैं फर्दर ये बोलूँ तो एन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो 60 सेकेंड के अंदर, एन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो 60 सेकेंड के अंदर, और 60 सेकेंड में अगर एन रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लग रहा है 60/n यानी 5p आपका क्या है टोटल फ्लक्स है जो कि उसने उसने जब रोटेशन किया है तो उसने अपने आप उस कंडक्टर ने फेस किया है 5p और उसको पूरा टाइम जो लग रहा है वो है 60/n। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है आपका जो ईएमएफ इंड्यूज होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ईएमएफ की फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और जो d∅/dt है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। तो d∅ के आपका टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स उसने एक रिवॉल्यूशन के अंदर टोटल फ्लक्स कितना कट किया है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया है। तो देखो टोटल फ्लक्स कितना है आपका, टोटल फ्लक्स है 5p और टोटल टाइम उसने लिया है 60/n। तो जो e की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 5p n/60। अब हमारे पास में दो अलग अलग टाइप की वाइंडिंग्स होती है, एक होती है लेव वाइंडिंग एक होती है वेव वाइंडिंग, यानी किसी भी जनरेटर को हम दो तरीके की वाइंडिंग्स से डिजाइन कर सकते हैं, लेव वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो वन बाई वन हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी वाइंडिंग की कैसे कैसे आपका ईएमएफ इक्वेशन होगा। उससे पहले उनकी स्टडी करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट कुछ पैरामीटर्स हैं उनको हम अज्यूम करते हैं कि हमने अज्यूम किया है कि जेड है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है डीसी जनरेटर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं उनकी सपोज करो वैल्यू मैंने जेड मान ली है। ए की वैल्यू है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो जेड बाई ए क्या है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी इसका मतलब क्या हुआ ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए नंबर ऑफ पैरेलल का मतलब है सपोज कीजिए कि आपके पास में जेड की वैल्यू है 10 कंडक्टर, सपोज आपके पास में जेड है 10 कंडक्टर और मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली है। ए की वैल्यू 2 ले ली का मतलब क्या है कि जो 10 कंडक्टर्स हैं वो मेरे डिवाइड होंगे दो अलग अलग पाथ के अंदर। अगर 10 कंडक्टर हैं दो अलग अलग पाथ है इसका मतलब क्या है एक कंडक्टर के अंदर एक पाथ के अंदर कितने आपके कंडक्टर आएंगे 5 कंडक्टर्स आएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा पाथ होगा उसके अंदर कितने कंडक्टर आएंगे आपके 5 आएंगे। सपोज करो कि जेड की वैल्यू मेरे पास में 100 है, जेड की वैल्यू 100 कंडक्टर है और ए की वैल्यू अगर 4 है यानी मैंने पैरेलल पाथ मेरे को 4 बनाने तो इसका मतलब जेड बाई ए हो गया 100/4 या 100/4 तो कितना हो गया 25, यानी एक जो पैरेलल पाथ होगा हर एक पाथ के अंदर आपके कितने कंडक्टर होंगे 25, सेकंड में भी क्या होंगे 25, थर्ड में भी क्या होंगे 25 और फोर्थ में भी क्या होंगे 25। तो जेड बाई ए क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें ये पता है क्योंकि चारों के जो चारों पैरेलल पाथ है, अगर पहले वाले केस के अंदर 2 पैरेलल पाथ बने थे अगले वाले में 4 पैरेलल पाथ है, चारों के चारों जो पैरेलल पाथ है एक दूसरे से क्या होंगे आपके एक दूसरे से क्या होंगे पैरेलली कनेक्टेड होंगे और पैरेलल के अंदर क्या होता है आपका वोल्टेज हमेशा सेम होता है, वोल्टेज हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो किसी भी एक पाथ के अक्रॉस जेड बाई ए का जो एक पाथ बन रहा है कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है उसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल लो और उसको फिर बाद में
वो का भी वोल्टेज क्या होगा, आपके सारे के सारे पाथ के पैरेलल में होगा। तो अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ वो वन कंडक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, अभी मैंने प्रीवियसली बताया था कि ईएमएफ वन कंडक्टर क्या आता है, नंबर ऑफ कंडक्टर करें तो ए कंडक्टर में अगर ये है तो टोटल में कितना हो जाएगा आपका जेड बाई ए, यानी वही बात होगी, अगर मान लो 10 रुपये का एक आम आता है तो 20 रुपये में कितने आम आएंगे, मेरे 2 आम आएंगे, यानी 10 रुपीज़ में 1 मैंगो आता है, 20 रुपीज़ में कितने आएंगे, 2 मैंगो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर ए कंडक्टर में मेरा ईएमएफ पता है तो मैं सारे के सारे कंडक्टर्स में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सारे कंडक्टर्स के लिए मेरे को आगे जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे उन कंडक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में सिंपल वेव वाउंड में क्या है कि जो वेव टाइप की अगर वाइंडिंग की जाती है, दो अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक लेव वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। अगर वेव वाइंडिंग होगी तो वेव वाइंडिंग के अंदर हमेशा जो पैरेलल पाथ के नंबर होंगे वो क्या होंगे, ए इक्वल टू 2 होंगे, हमेशा पैरेलल पाथ कितने होंगे, यानी आपके पास में अगर कंडक्टर 100 हैं तो भी आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, आपके 2 होंगे। तो अगर 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो एक पैरेलल पाथ के अंदर आपके कंडक्टर कितने होंगे, 50 कंडक्टर्स होंगे। इसी तरह सपोज करो आपके पास जेड की वैल्यू अगर 200 कंडक्टर हैं, और अगर आपको डिजाइनर ने ये दे रखा है कि आपको डिजाइन करना है वेव वाइंडिंग से, तो जो पैरेलल पाथ बनेंगे वेव वाइंडिंग के अंदर 2, तो एक के अंदर कितने हो जाएंगे, 200/2, यानी जेड बाई ए की वैल्यू क्या होगी, 200/2 इक्वल टू 100 कंडक्टर, यानी एक पाथ के अंदर 100, दूसरे वाले में पाथ में भी 100 होंगे। तो अगर एक की वैल्यू 2 दे रखी है तो अपने जो प्रीवियस जो इक्वेशन है, अभी जो मैंने इक्वेशन निकाली है कि सारे के सारे कंडक्टर्स, यानी एक पे सीरीज के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनके का ईएमएफ कितना होगा, तो एक की जगह आप 2 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5ZPN/120 वोल्ट। ओके, फिर अगर आपका सिंपल लेव वाउंड जनरेटर, यानी अगर डिजाइनर ने ये बोला है कि आपकी जो वाइंडिंग है उसको आप लेव वाउंड करो, तो लेव वाउंड में हमेशा क्या होगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा पी के बराबर होंगे, यानी पी के आपके नंबर ऑफ पोल के बाद में, अगर आपके पास में पी 4 पोल की मशीन है तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी 4 होगी। अगर पी की वैल्यू अगर आपकी 6 है, कि 6 पोल की मशीन है, तो जो पैरेलल पाथ ए है वो भी क्या होंगे, 6 होंगे, यानी पी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमेशा पी के बराबर होगी। देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ क्या है, लेव बाउंड वाइंड में क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है, ए की जगह पी या पी की जगह ए आप पुट कर दो, यानी वो कि वो सेम इक्वेशन रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको अगर न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू लेव बाउंड में 2 रखनी पड़ेगी, और जो सॉरी ए की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी वेव वाइंडिंग में, और ए इक्वल टू पी रखना पड़ेगा आपको लेव बाउंड में, और लेव बाउंड में अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें वो नंबर ऑफ पोल भी आपके देगा। तो ये कंप्लीट आपका ईएमएफ इक्वेशन था। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर को अगर समझना है तो जो प्रीवियस लेक्चर मेरा है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, उससे मैंने काफ़ी बेसिक्स बताए हैं, उस बेसिक्स के बेसिस पे आगे की स्लाइड्स को मैंने कवर किया है। और इसी के साथ ही ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर ये कंप्लीट होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।